हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल कैसे ट्रांसफर करें। सपोज कीजिए सीमेंट का बिजनेस है और बरसात का सीजन है। अब जहां पर आपका गोडाउन है वहां पर कहीं से लीकेज हो गई है और सीमेंट अगर ज्यादा दिनों तक रखा तो खराब हो जाएगा, तो इस कंडीशन में हमें दूसरे गोडाउन में अपना माल शिफ्ट करना होगा। ठीक है, इसी तरह से किसी कारणवश अगर हमें कोई दूसरा माल हो उसको दूसरे गोडाउन में शिफ्ट करना हो तो वो कैसे कर पाएंगे टैली ERP 9 में, इसी की चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्टॉक आइटम बना लेते हैं। तो इन्वेंटरी इन्फो पे चलते हैं, आई प्रेस कर लेते हैं और स्टॉक आइटम मैं बना रहा हूं। जैसे मान लीजिए पहला स्टॉक आइटम मैं बना रहा हूं SSD। ठीक है, SSD का हमारे पास स्टॉक आइटम है और इसे हम स्टॉक आइटम बना रहे हैं, एक स्टॉक आइटम बना लेते हैं। तो इन्वेंटरी इन्फो पे चलते हैं, आई प्रेस कर लेते हैं और स्टॉक आइटम मैं बना रहा हूं। जैसे मान लीजिए पहला स्टॉक आइटम मैं बना रहा हूं SSD। ठीक है, SSD का हमारे पास स्टॉक आइटम है और इसे हम स्टॉक आइटम बना रहे हैं और इसे हम एक गोडाउन में रखेंगे। ठीक है, ये बन गया। अब एक अगला स्टॉक आइटम हम बनाएंगे बुक्स। ठीक है, पाइथन की बुक्स है, ये भी हमने बना लिया। तो ठीक है, अब चलते हैं परचेस वाउचर में। यहां से अकाउंटिंग वाउचर और फिर यहां से हम जाएंगे परचेस वाउचर में चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहां पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया हमने, एंटर प्रेस किया। यहां पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर आ जाएगा, लगा दिया क्रेडिटर पार्टी का लेजर, एंटर प्रेस किया, यहां परचेस अकाउंट आ गया। ठीक है, अब यहां पर टैक्सेशन के लिए हमने ये हर बार ये हमें देना होगा, ऐसा हमने सेटिंग कर रखा है। ये भी टैक्स यानी GST देने का एक ये भी तरीका है, ये मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। और यहां पर हम CGST SGST कुल मिलाकर 18% दे देते हैं, तो 9% के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पर आएंगे हम, तो यहां पर हमें स्टॉक आइटम की बात करनी है। तो एक स्टॉक आइटम हमने बनाया था SSD, इसको ले लेते हैं। अब यहां गोडाउन आ रहा है, अगर आपने गोडाउन ऑप्शन चालू नहीं किया है तो ये नहीं आएगा। गोडाउन ऑप्शन कैसे चालू होगा मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। पहले बाहर आ जाते हैं इससे, फिर हम चलते हैं एंट्री करेंगे। ठीक है, पहले जान लेते हैं गोडाउन कैसे बनाएंगे। तो यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है, F11 की प्रेस करनी है, फंक्शन बटन F11 प्रेस कीजिए, आ जाइए इन्वेंट्री फीचर में। जैसे इन्वेंट्री फीचर में आएंगे तो यहां पर आपको स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में, ये देखिए नीचे, यहां पर आपको मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स, ये ऑप्शन मैंने यस कर रखा है, आपके में नो होगा, तो इसको यस कर दीजिए, कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए तो ये चालू हो जाएगा। अब आपको परचेस वाउचर में चलना है, वी प्रेस कीजिए, परचेस वाउचर में आ गए, यहां पर सप्लायर का जो भी इनवॉइस नंबर है वो डाल दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, यहां से राम क्रिएटर कर दीजिए, क्रिएटर पार्टी का लेजर आ जाएगा, एंटर प्रेस करते हुए यहां आ जाइए परचेस अकाउंट। और फिर यहां पे जो हमने बताया परचेस टैक्सेबल यहां पे रख लेता हूं मैं, ये एक तरीका है टैक्स लगाने का, GST लगाने का। ठीक है, ये हमने पिछले वीडियोस में बात की है। ठीक है, आपने आई होप कि देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो देख सकते हैं जा करके। अब यहां पर जो स्टॉक आइटम हमने बनाया था SSD, उसको हम परचेस करेंगे पहले। अब ये किस गोडाउन में हमें डालना है, अभी तो ये मेन लोकेशन में है। यहां पर अगर हम गोडाउन क्रिएट, देखिए दो गोडाउन हमारे पास मौजूद है। ठीक है, हम चाहे तो इसको मेन लोकेशन में भी डाल सकते हैं और हम इसको गोडाउन में भी डाल सकते हैं, फिलहाल हम इसको मेन लोकेशन में ही डाल रहे हैं और इसकी 200 क्वांटिटीज हम परचेस कर रहे हैं। ठीक है, 200 क्वांटिटी हमने परचेस की, एक की कीमत है 4000। ठीक है, एंटर प्रेस किया। अब फिर यहां पर आ जाएंगे, SSD का हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा स्टॉक आइटम लेंगे, जावा पाइथन की बुक्स थी तो उसको ले लेते हैं। तो ये पाइथन की बुक आ गई, अब यहां पे गोडाउन कौन सा होगा, मेन लोकेशन ही रखते हैं। ठीक है, ये रख लिया, यहां पे 600 बुक्स पाइथन की हमने रखी है जिसकी एक की कीमत है ₹1100। ठीक है, ये 1100 डाल दिया, एंटर प्रेस किया और यहां पर आ गए। अब ये दो ही आइटम हम लेते हैं, यहां पर CGST SGST हम चाहे तो लगा सकते हैं, तो ये CGST, ठीक है, उसी हिसाब से लग जाएगा जो हमने अभी अभी दिया है उसी के हिसाब से ये लगेगा। तो ये हमने लगा लिया CGST SGST, और अब यहां पे इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, न्यू रेफरेंस कर दिया हमने, एक्सेप्ट कर लिया इसको। ठीक है, अब यहां से बाहर आ जाते हैं, अब हम देखिए यहां पर आ चुके हैं, यहां से हमें ट्रांसफर करना है माल। ठीक है, तो हमें कहां जाना होगा, इन्वेंट्री वाउचर में जाना होगा। अब यहां पर देख सकते हैं स्टॉक जनरल खुल चुका है। यहां पर आपको क्या करना है, नेम ऑफ आइटम आ रहा है, एक सोर्स है और एक आपका डेस्टिनेशन है, एक जगह से माल उठाइए दूसरे जगह ट्रांसफर कीजिए। ठीक है, मैं पहले पाइथन की बुक लेता हूं, यहां पे पहले स्पेस बार प्रेस करना है, स्पेस बटन जो कीबोर्ड में दिया उसे प्रेस कर दीजिए, और यहां प्रेस करने से क्या होगा, ये जो आइटम्स की लिस्ट है वो खुल जाएगी। अब हमें चलना है सबसे पहले पाइथन बुक्स, यही उठानी है, 600 आइटम है,
इन 600 आइटम्स को हम शिफ्ट करेंगे, ठीक है। फिर स्पेस बार प्रेस कीजिए, तो ये मेन लोकेशन से हम उठा रहे हैं और ये 600 आइटम मेन लोकेशन में मौजूद है। इसके बाद इसको हमको कहां शिफ्ट करना है, इसको हमें शिफ्ट करना है न्यू कॉलोनी में। तो डेस्टिनेशन पॉइंट पे जाएंगे और यहां पर हमको पाइथन बुक ले लेनी है वापिस से। तो 600 आइटम ही लेना है, नहीं कर देंगे क्योंकि न्यू कॉलोनी में हमें भेजना है ये सारा माल और 600 आइटम है इसके, तो ये 600 यहां लिख दिया हमने, ठीक है। इसी तरह से करके आप ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत ही इजीली, ठीक है। ये एक ही प्रोडक्ट हमें ट्रांसफर करना था तो ये हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए फिर दूसरे प्रोडक्ट्स को, जैसे मान लीजिए कि और भी चीजें हमने बनाई है, जैसे कि मान लीजिए ये माउस है या कुछ और है, तो इसको उठा लीजिए। जैसे माउस ले लिया हमने, ठीक है। अब माउस ले लिया, फिर स्पेस बार प्रेस करता हूं कि इसको कहां डालना है देंगे। और मान लीजिए कितने आइटम्स हमारे पास मौजूद हैं इसके, 25 आइटम, तो ये 25 आइटम डाल दिया हमने। 25वां आइटम को शिफ्ट कर रहे हैं हम कहां, राघव नगर में, ठीक है। तो ये है माउस, तो एम प्रेस करेंगे माउस आ जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे और यहां पर हम फिर एक बार स्पेस बार प्रेस करेंगे तो राघव नगर गोडाउन में इसको डाल देंगे हम। कुल मिलाकर के 25 आइटम है, ये डाल दिया हमने और यहां पर एंटर प्रेस करिए और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। यहां पर चाहे तो नरेशन भी डाल सकते हैं, राघव नगर गोडाउन, एंटर करिए, एक्सेप्ट करा लीजिए। अब हमको चेक करना हो कि ये गया है कि नहीं गया है, वो कहां से चेक करेंगे, तो आपको डिस्प्ले में जाना होगा, डी प्रेस कर दीजिए। एक आपको ऑप्शन दिखाई पड़ेगा यहां पर, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंटरी, ठीक है। ये देखिए, इसके लिए ई प्रेस करना होता है, ई कीबोर्ड से प्रेस कीजिए, आप आ जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी में। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर जाना है गोडाउंस में, तो जी प्रेस कर दीजिए, आ गए गोडाउंस में। चलिए देख लेते हैं, यहां पर प्राइमरी पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही प्राइमरी पर क्लिक किया तो ये मेन लोकेशन दिखा रहा है, कुल मिलाकर 907 आइटम दिखा रहा है, ठीक है। अब मेन लोकेशन में 907 आइटम दिखा रहा था, लेकिन अभी 630 आइटम न्यू कॉलोनी में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। और 55 आइटम कहां ट्रांसफर हो गया, राघव नगर में ट्रांसफर हो गया। इतने आइटम ही हमने ट्रांसफर किए हैं, बाकी का कोई आइटम तो हमने ट्रांसफर किया नहीं है। तो इस तरह से ये देख सकते हैं, अगर आपको और भी आइटम्स को ट्रांसफर करना है तो आपको फिर कहां जाना होगा, वहीं जाना होगा, यहां से आ जाइए और इन्वेंटरी वाउचर के लिए टी प्रेस कीजिए और फिर यहां पर स्पेस बार प्रेस कीजिए। आपको क्या क्या ट्रांसफर करना है वो देख लीजिए, फैन है, ठीक है, और ये कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड के 42 आइटम मौजूद है, इसी को ट्रांसफर करते हैं, फैन तो है ही नहीं, तो यहां पर आ गए। अब मेन लोकेशन से उठाना है हमें इसे, कुल मिला के 12 आइटम्स हैं, ये 12 आइटम्स को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कहां जाएगा, तो यहां पे फिर आ गए, ये क्या था हमारा, कीबोर्ड था, कीबोर्ड के 12 ही आइटम मौजूद थे हमारे पास, तो ये राघव नगर में ट्रांसफर कर दे रहे हैं और 12 ही आइटम मौजूद हैं, तो ये 12 आइटम हमने लिख दिया, ये हमने कर दिया ट्रांसफर, ठीक है। इस तरह से हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में ये बात आ गई होगी, और जब भी देखना होगा तो कहां जाके देखेंगे, फिर देखिए मैं दिखा देता हूं, डिस्प्ले में जाइए और यहां पर चले जाइए, ई प्रेस कर दीजिए और यहां आ जाइए गोडाउंस में और यहां आ जाइए प्राइमरी में, एंटर प्रेस कीजिए। अब आपको दिखाएगा कि ठीक है, अब यहां पे देखिए ये जो है 67 आइटम शो कर रहा है राघव नगर में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 67 आइटम ट्रांसफर हो गया किसमें, राघव नगर में, ठीक है। ये देख सकते हैं, माउस है, कीबोर्ड है, कितना क्या है वो सब दिखा रहा है, ठीक है। और यहां ऊपर देखिए राघव नगर दिखा रहा है, राघव नगर में 42 आइटम कीबोर्ड के और 25 आइटम माउस के शो हो रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं न्यू कॉलोनी गोडाउन की, तो न्यू कॉलोनी गोडाउन में चलते हैं, देख लेते हैं 10 आइटम कंप्यूटर के, 20 आइटम माउस के और पाइथन की बुक्स के 600 आइटम हमारे पास न्यू कॉलोनी गोडाउन में मौजूद है। ये यहां पे न्यू कॉलोनी गोडाउन में शो कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके समझ में आ गई होगी, कैसे ट्रांसफर करना है गोडाउन से दूसरे गोडाउन में, ये सारी बातें आपके समझ में अच्छे से आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।